हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो फिर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मनी प्लांट्स। जो मनी प्लांट्स जिसको हम पोथोस बोलते हैं, तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। तो कोई सी भी वैरायटी को हम किस तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं और प्रोपगेट करके किस तरीके से इस छोटे छोटे से प्लांटर्स को हम तैयार कर सकते हैं। तो ये जो आप छोटे प्लांटर्स देख रहे हैं, गिफ्टिंग पर्पज़ से बहुत अच्छे होते हैं। तो इन प्लांटर्स को किस तरीके से हम तैयार करेंगे प्रोपगेशन के द्वारा, इसी को लेके आज का मेरा वीडियो होने वाला है। तो छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि पोथोस को हम किस तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो प्रोपगेशन से पहले आप देख सकते हैं इस तरीके के ये छोटे छोटे प्लांटर्स जो है ना, ये 10-15 दिन में आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल कटिंग से। बहुत ईजी होता है पोथोस को मल्टीप्लाई करना। चाहे आप पॉट में लगा सकते हैं सॉइल के साथ, चाहें तो आप वाटर में भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सॉइल में किस तरीके से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। तो सॉइल में आज का जो वीडियो है सॉइल में प्रोपगेशन करने का, तो इसमें हम जो सॉइल लेंगे उसमें सॉइल में हम 30% तक लेंगे इसमें कोकोपीट। कोकोपीट लेने का एक मकसद ये होता है कि ये छोटे प्लांटर होते हैं तो इसमें पानी कम ही स्टोर होता है, तो कोकोपीट उसमें हेल्प करता है कि पानी को थोड़ा सा स्टोर करके वो रख सके। तो 30% तक कंपोस्ट हम कोकोपीट लेंगे और 30% तक हम इसमें लेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट में कुछ भी ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट ले सकते हैं या किचन वेस्ट की कंपोस्ट ले सकते हैं। और 40% तक हम इसमें लेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल। तो ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर आप बना सकते हैं। मिक्सचर बनाने के बाद जो मिक्सचर इस तरीके का तैयार कर लेंगे, तो उसे पॉट में पहले फिल कर लें। फिल करने के बाद जो भी आपके पास मनी प्लांट हो, चाहे वो इस तरीके की हैंगिंग बास्केट्स में लगी हो या किसी भी पॉट्स में आपके लगे हो, तो इसमें से इस तरीके की आप देख सकते हैं जो लंबी लंबी बेल होती हैं, जो हमारी ये बेल निकलनी होती है, इसी से हम इसका प्रोपगेशन करते हैं। क्योंकि हर नोट पर यहाँ पर देख सकते हैं आप रूटिंग इसकी मनी प्लांट की होती है। तो चाहें तो इस रूटिंग को आप 10-15 दिन पहले इस तरीके से पूरे पॉट में इस तरीके से घुमा सकते हैं। जब आप इसमें घुमाएंगे तो उसमें रूटिंग सिस्टम जो इसकी छोटी छोटी है वो जल्दी बड़ी हो जाती है। चाहें तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो जब कट करेंगे तो नीचे से यहाँ पे से आपको रूट्स के साथ निकाल लेना है, यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये आप जैसे इस तरीके से निकालेंगे, तो इस तरीके की एक बेल हमारे पास हो जाएगी। चाहे तो आप इसे पानी में ग्रो कर सकते हैं इस तरीके की पूरी बेल को, और हमें आज यहाँ पे पॉट में ग्रो करनी है तो हम इसके पहले छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उन टुकड़ों को हम इस पॉट में लगाएंगे। तो पॉट में लगाने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि हर नोट पे से आपको इसको कट करना है इस तरीके से, यहाँ पे से नोट से आपको कट करना ही है इस तरीके से। अब इस तरीके से ये देख सकते हैं कटिंग हमारी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम पूरी प्लांट की कटिंग को तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए पूरा पॉट ये तैयार कर लिया है। एक छोटी सी कटिंग से आप इस तरीके का पॉट तैयार कर सकते हैं। 15 दिन में जो उसकी रूटिंग है वो सॉइल को कवर कर लेगी, न्यू शूट होंगी वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 10 से 15 दिन में आप इस तरीके के पॉट तैयार कर सकते हैं कटिंग से। और आप चाहें तो गिफ्टिंग पर्पज़ से रख सकते हैं, सेलिंग पर्पज़ से रख सकते हैं। बहुत ईजी होता है, छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं, सेरेमिक का हो, चाहे आपका मिट्टी का गमला हो या फिर प्लास्टिक का हो, किसी भी तरीके के गमले में इस तरीके से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। प्लांट्स की ये जो प्रोपगेशन की वीडियो है, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास दोबारा आ सकें। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।